नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोकवीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं और पत्नियाँ भी हैं जो पति को अपने मतलब अपने से अलग करना चाहते हैं, या फिर पति भी चाहते हैं कि सर मुझे भी अलग रखना है अपनी पत्नी को, मुझे उसके साथ में नहीं रहना, बर्दाश्त नहीं है, या फिर पत्नी को बर्दाश्त नहीं है पति अपना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक रिलीफ चाहते हैं कि सर हमें अब जो है इसके साथ जीवन अपना व्यतीत नहीं करना है, हमें अलग होना है। अब उसके पीछे कारण चाहे एक ना हजार हों कि भाई इसके उसके साथ संबंध है, या फिर ये ऐसी है वैसी है, कुछ भी हो सकता है इसके पीछे संबंध। जब भी बात आती है हिंदू विवाह अधिनियम की, तो आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू के अनुसार आपके पास एक राइट है कि आप अपनी पत्नी को अपने आप से अलग कर सकते हैं। पत्नी पति को अलग कर सकती है और पति जो है पत्नी को अलग कर सकता है। ये एक अपने आप में प्रोविजन दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज कई बार जो है मेरे पास ये बात आई कि सर हमारी पत्नी हमसे अलग रह रही है, सर 2 साल से अलग रह रही है, 3 साल से अलग रह रही है, 5-6 साल, 8-9-10 साल, 20 साल तक भी जाते हैं अलग रहते रहते, लेकिन उनका कभी भी कोई किसी प्रकार से तलाक नहीं होता है। क्योंकि तलाक क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्हें तलाक के लिए कभी उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, उन्होंने डाइवोर्स डिग्री लेने के लिए कभी अप्लाई ही नहीं हुआ। उनको डर लगता है कि सर पता नहीं डाइवोर्स होगा नहीं होगा, क्या होगा ये पता नहीं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी या फिर आपका पति आपसे इतने समय के लिए, इतने साल अगर आपसे अलग रहता है या रहती है, तो आपको डाइवोर्स का केस तुरंत फाइल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप डाइवोर्स के केस में डिले करेंगे तो आप अपना जीवन ना जी पाएंगे और ना ही अपने आप से उस व्यक्ति को अलग कर पाएंगे। एक ये आपको प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि तलाक लेना गलत है, अगर तलाक लेना गलत होता तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट में इसका प्रोविजन जोड़ा ही क्यों जाता। आपको अगर आपको अधिकार है तो आपके पास में वो सारे एविडेंस सबूत होना चाहिए जिस आधार पर आप अपनी पत्नी या पति से डाइवोर्स ले रहे हैं। अब उन सब चीज़ों के लिए, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि इतने साल जो है अगर आप पति पत्नी अलग रहते हैं तो एक तलाक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, किस तरीके से माना जाएगा तलाक, वो आपको बताना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। क्योंकि बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे पति या पत्नी हैं जो अपने पति पत्नी से साथ नहीं रहना चाहते हैं और उनसे तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन तलाक लेने का उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तलाक लें तो लें कैसे। पति कहता है मेरे पास सबूत नहीं है, पत्नी कहती है मेरे पास सबूत नहीं है, तो क्या तलाक मिलेगा। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि आपको तलाक मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी ने या फिर आपके पति ने आपके ऊपर कोई भी केस कर दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेरी पत्नी जो इस तारीख से इतने अपने घर में रह रही है, या फिर उसने खुद कहा कि मुझे मेरा पति छोड़ दिया है, मुझे नहीं रख रहा है, या फिर पत्नी ये कह रही कि मेरे पति ये कह रहा है कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है, वो चली गई है। अगर आपने कोई ऐसा केस एप्लीकेशन या कोई भी कंप्लेंट केस आपने फाइल किया है और उसमें ये चीज़ बात हो रही है, आपका कंसीडर जो टाइम है वो उसी दिन से कम काउंट हो जाएगा कि आपने इस दिन से आप दोनों सेपरेट रह रहे हैं। अब इस चीज़ को सेपरेट करने के बाद कितने दिन रहना है आपको अलग है, कितने दिन का समय पीरियड काउंट करना है। अब इसके लिए आपको काउंट करने का जो समय है वो 2 ईयर्स है, 2 साल का है। 2 साल का मैंने कि डाइवोर्स पिटीशन में अगर आप फाइल करेंगे तो इसमें ये कहेंगे सर हम 2 साल से अधिक से समय जो है वो हम एक दूसरे से अलग हैं, हमारे बीच में कोई संबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब जो पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन भी स्थापित नहीं किए गए हैं, और अब जो है हमें तलाक चाहिए। अब आप इस बात पर ग्राउंड पर तलाक ले सकते हैं आपका अगर 2 साल से ज़्यादा समय आपके दोनों बीत गया है। अब इस बात का उल्लेख कहाँ है हिंदू मैरिज एक्ट में, कहाँ लिखा हुआ है ये बात कि 2 साल से अधिक, इस ग्राउंड को बोलते हैं डिसर्शन ग्राउंड, यानी कि आपकी पत्नी आपसे अलग है या फिर पति आपका आपसे अलग है, तो इस ग्राउंड का नाम है डिसर्शन। अगर आप डिजर्टेड आप व्यक्ति हैं, आपको अलग कर दिया है, त्याग दिया है, तो आपके पास अधिकार है। इस प्रोविजन का जो उल्लेख है यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर बात 13 के जो सब क्लॉज है फर्स्ट का बी, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हैज डेजर्टेड अ पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर, यानी कि 2 साल से अधिक का अगर आपको समय हो गया है तो आपके पास राइट है कि आप इस प्रोविजन के तहत जो है आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं या फिर पति डाइवोर्स ले सकते हैं। अब इसका प्रोविजन आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि हाँ ये होता है, अब इसका लेना कैसे, इसका रिलीफ हमें कैसे लेना है, तो आप अगर इस बात को रिलीफ आप लेंगे तो आप इसके लिए सेक्शन 13A के तहत आप
केस डालेंगे, केस फाइल करेंगे। जब आप केस फाइल करेंगे तो उसमें सेक्शन 13A में ये सारी कंडीशंस हैं कि आप इन कंडीशंस पर जो है वो अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। जब आप डाइवोर्स लेंगे तो आपके पास एक राइट है कि आप पिटीशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। जब आप पिटीशन फाइल करेंगे तो आपको उसी में सब कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी कि मेरी पत्नी इतने समय से अलग है, ये काम है उसके, किस प्रकार से उसने क्रूरता करी है, किस प्रकार से सब चीज़, वो चीज़ जो आपके साथ घटना घटित हुई है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और फिर आप इसमें जितना भी एविडेंस आप इकट्ठा कर सकते हैं उस एविडेंस को आप लेकर आएंगे और ये एविडेंस देंगे कि मुझे मेरी पत्नी से या मेरे पति से डाइवोर्स चाहिए, तभी आपको कोर्ट, आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाएंगे और तभी आपको कोर्ट जो है वो डाइवोर्स ग्रांट करेगा। क्योंकि अब जो है इतना समय हो गया कि हम जो है एक साथ में रह नहीं सकते हैं और ना ही रह पा रहे हैं, तो कोर्ट भी ये मन से सोचती है कि चलो नहीं रह रहे हैं तो इनका रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए और इनको जो है वो अलग कर दिया जाए। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे किस तरीके से कोर्ट जो केस है उसकी पिटीशन तैयार करनी है और पिटीशन तैयार करने के बाद जो किस तरीके से मैं डाइवोर्स ले सकूं, क्योंकि पिटीशन की ड्राफ्टिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो है पिटीशन की ड्राफ्टिंग को किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। जब आप ड्राफ्ट करेंगे तभी आप केस को फाइल कर पाएंगे अच्छे से और तभी आप उसको फाइट करके जीत पाएंगे। तो ये आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से करना है। अब इसका सेक्शन 13A में जब आप केस फाइल करेंगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपके लिए केस फाइल करने के लिए। सबसे पहले आपका एक आधार कार्ड लगेगा, एक शादी कार्ड लगेगा, या शादी कार्ड नहीं है तो आपके पास जो उसने कंप्लेंट करी है या फाइल लगाई उसकी कॉपी लगा सकते हैं आप कि भाई नहीं है मेरे पास में। कुछ फोटोग्राफ होंगे आपको जो शादी के साथ में खींचे हैं कि जब, क्योंकि आपको वो पत्नी प्रूफ करना है, मुझे पत्नी है ये, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ये सब कुछ लिखना है। और लिखने के बाद जो है आप इस सब चीज़ों में इस केस पिटीशन फाइल करेंगे और उसके बाद जो है आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग आपके लिए ग्राउंड है, क्योंकि पत्नियां जो है वो केस करती हैं और अपने घर में आके जाकर बैठ जाती हैं, सालों साल बीत जाते हैं वहाँ पर, वो आने की सोचते ही नहीं है, वो सोचती है कि अपने आप नाक रगड़ेगा मेरे घर आके और मुझे बुला कर ले जाएगा तभी मैं जाऊँगी वरना नहीं जाऊँगी। लेकिन उनको नहीं मालूम कि आपके खिलाफ जो है अपने आप डाइवोर्स ग्राउंड बनते चले जा रहा है। तो आपको, अगर आप पत्नी हैं और आप इस वीडियो को देख रही हैं, तो मैं कहता हूँ आज ही अपने पति को अप्रोच करिए कि मैं उसके साथ में रहना चाहती हूँ, और पति है तो पति भी अप्रोच करें, वरना एक टाइम ऐसा होगा कि आप को लड़ते लड़ते टाइम बीत जाएगा, शाम जो समय जो समय सीमा है एक दूसरे के साथ में रहने की वो भी निकल जाएगी और आपका डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि इस तरीके से मेरा काम था कि मैं आपको समझाऊं और आपके लिए वो तरीका बताऊं कि किस तरीके से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी शेयर जरूर करें, ताकि और भी हस्बैंड और वाइफ इस चीज़ के लिए समझ सकें कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहना है या नहीं रहना और किस तरीके से तलाक लेनी है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।